रिठला के गांव चंदावली में अवैध निर्माण को लेकर के बीजेपी नेता के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी को धमकी देने के मामले में नोटिस लेकर गए कर्मचारी ने बीडीपीओ पूजा शर्मा को बीजेपी नेता और ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर विजेंद्र नेहरा के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये जमीन पंचायत की है और ये जमीन लाल डोरे के अंदर नहीं आती और जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो दबंग हैं। इस जमीन के पूरे कागजात उनके पास हैं। वहीं विधायक टेकचंद शर्मा ने भी इस जमीन पर हो रहे कब्जों को अवैध बताया। कब्जा करने के आरोपी का कहना है कि यहां 50 साल से वो रह रहे हैं और बीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारी उनसे पैसे की मांग करते हैं। केवल उनकी जमीन ही पंचायती नहीं है बल्कि वहां और भी जो मकान बने हुए हैं वो भी पंचायत के हैं, इसलिए सब पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। मैं काफी दिन से यहाँ रह रहा हूँ, 50 साल हो गए रहते रहते। मैं इसको नीचे मेरा मकान बन गया था, पानी भर जाता था, ऊपर में उठा के बना रहा हूँ। इससे वीडियो ऑफिस से मेरे पास में आदमी आते हैं तो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं तो कहते कोई पैसा लेके करामाती है। अब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे, मकान बनाऊंगा ये पैसे वहाँ पर लगाऊँ। मेरे को वीडियो ऑफिस का आदमी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर कोई केस हो जाएगा तो मैं काम को बंद करो। ये जो सुनने में आ रहा है भाई ये तो एससी लोग हैं या ये तो जो है भाई दलित लोग हैं, ना वो दलित लोग हैं ना वो एससी लोग हैं, ये जो है सारे दबंग लोग हैं जिन्होंने पहले कच्चा कब्जा किया, उसको पक्का बाकायदा ये जो अपना लोहे के सीमेंट के वो होते हैं उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। अब हमको पता चला तो हमने जो है इसकी शिकायत बीडीओ मैडम से की। वीडियो मैडम से शिकायत करने के बावजूद यहाँ कर्मचारी भेजा गया और इसके एक हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी हुई पड़ी है 2013 में। कि जहाँ तक बात है अधिकारियों को, पहली प्रक्रिया में करना चाहता हूँ कि अधिकारियों को धमकी दी गई है वो गलत है। किसी अधिकारी को धमकाना नहीं, उसका जायज बात करना हमारा एक सरकार का जो ध्येय है सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। जहाँ तक बात है अवैध कब्जों की, वो मैंने भी चेक किए हैं, अवैध कब्जे बाकायदा कोर्ट के माध्यम से बाकायदा एसडीएम के कार्यालय से वो हैं, उनके एसडीएम की मार्फत कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो प्रशासन करेगा।